हेलो गाइस, नमस्कार सभी को। मैं संदीप कुमार शुक्ला आप सभी का आपके अपने चैनल आपके अपने परिवार संदीप सर जीके में स्वागत करता हूं। सबसे पहली बात तो ये बता दूं कि आज जो सुबह एक वीडियो आया था सुबह 9 बजे ना 9 AM में खुशखबरी वाला, तो उसमें तो एक दिवाली की शुभकामनाएं थी आप लोगों के लिए। आपने देखा होगा, नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा। दूसरी जो सबसे बड़ी खुशखबरी क्या थी कि अपन ने एक नया चैनल लॉन्च किया है। वो चैनल नया चैनल लाने का जो उद्देश्य है वो क्या है, नया चैनल लाने का जो उद्देश्य ये है कि मस्ती मजाक करते रहते हैं, शायरी करते रहते हैं। जैसे मैंने एक पराठा वाला वीडियो डाला आज उसी चैनल में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम क्या है उसका, मस्ती की पाठशाला उस चैनल का नाम है। तो कम्युनिटी में जाकर चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर है। वहाँ ना मिले तो टेलीग्राम में देख लेना, टेलीग्राम में मैंने लिंक डाल दी है। ना मिले तो एक काम करना, जब इसी चैनल में जाकर चैनल्स में देखोगे ना, चैनल में आपको मिल जाएगा मस्ती की पाठशाला, क्लियर है। और फिर भी नहीं तो काम करना, वीडियो खत्म होने के बाद में कमेंट सेक्शन में पहला कमेंट भी उसके लिंक डाल दूंगा। जैसे क्लिक करोगे चैनल ओपन होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वहां पे ढेर सारी शायरी कविताएं मोटिवेशन मस्तियां जो भी सब कुछ होगा ठीक है। चलिए, तो ये क्लास अपनी साइंस की, और यहां पर अपन साइंस करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अगर आप पहली बार इस चैनल में आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उस वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोनों अपने चैनल हैं, अपना परिवार है संदीप सर जी के और मस्ती की पाठशाला। तो साइंस में हम बिल्कुल बेसिक साइंस कर रहे हैं, जो बिल्कुल वन लाइनर फैक्चुअल साइंस है वो कंप्लीट कर रहे हैं। और जैसे ही वन लाइनर फैक्चुअल साइंस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम कहाँ निकल जाएंगे आपका कॉन्सेप्ट वाली साइंस में। मैं वही क्वेश्चंस कराता हूँ, 100% क्वेश्चन ट्राई करता हूँ मैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे कहीं का भी हो, क्योंकि साइंस में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं है, उसके पास ऑप्शंस नहीं पेपर बनाने का, वो बार बार रिपीट क्वेश्चन कर रहा है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है, क्वेश्चन पढ़ के आराम से आंसर दीजिएगा। ये लीजिए क्वेश्चन पढ़ के आंसर दीजिए। द ब्लैक होल थ्योरी वॉज डिस्कवर्ड बाय, जो ब्लैक होल थ्योरी है वो किसके द्वारा डिस्कवर की गई थी। ऑप्शन ए श्री चंद्रशेखर, ऑप्शन बी हरगोविंद खुराना, ऑप्शन सी सीवी रमन और ऑप्शन डी एस रामानुजम। ब्लैक होल सिद्धांत किसके द्वारा, बिल्कुल फटाफट बताइए। पराठे अच्छे थे, बफरी नहीं हो रही बेटा, अपने एक बार नेट चेक कर लो, बफरी नहीं हो रही है, एवरीथिंग इज ओके। और उस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। उस वाले मस्ती की पाठशाला नाम है, ठीक। बफरी नहीं हो रही बेटा, बफरी नहीं हो रही, मैं चेक कर रहा हूँ, यहाँ से चेक कर रहा हूँ, बफरी नहीं हो रही, एक बार रिफ्रेश कर लो आप लोग अपना। बफरी नहीं हो रही, यहाँ पे एवरीथिंग इज ओके है ना, बिल्कुल। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है आपका एस चंद्रशेखर। क्या बात, बहुत सुंदर, एस चंद्रशेखर इज राइट आंसर फॉर दिस, क्लियर है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर फॉर दिस। आपको मालूम है कि ढेर सारे लोगों को हमारे यहाँ से नोबल पुरस्कार मिला है, नोबल अवार्ड मिला है। मतलब स्टार्टिंग कहाँ से होती है, स्टार्टिंग होती है आपका रविंद्रनाथ टैगोर से, ठीक है। उसके बाद में आती है बात कहाँ तक, अभिजीत बनर्जी साहब तक। इसके पहले आपको लास्ट में कैलाश सत्यार्थी को मिला था, और उसके पहले अमर्त्य सेन साहब को मिला था। तो हिंदुस्तान के कितने लोगों को नोबल प्राइज मिला है, कितने लोगों को हिंदुस्तान के नोबल प्राइज मिला है, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताओ फटाक से, कितने लोगों को। सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर साहब को, ठीक है। उसके बाद हरगोविंद खुराना साहब को ही मिला है, बिल्कुल सही है। और कितने लोगों को मिला है, रविन्द्रनाथ टैगोर, हरगोविंद खुराना, मैं नाम बता रहा हूँ, उसके बाद जो नाम बचेगा आप बताना, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर, हरगोविंद खुराना, मदर टेरेसा, अमर्त्य सेन, कैलाश सत्यार्थी और अभिजीत साहब, ये 6 लोग हो गए। इसके बाद और कितने लोग बचते हैं जिनको कि नोबल प्राइज मिला है, जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में। बिल्कुल सीवी रमन बहुत सही आंसर है, वेरी गुड। और चंद्रशेखर को भी मिला है, बहुत सुंदर, वेरी गुड। ये हुई ना बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंसर दीजिए, ये लीजिए। हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड बैक्टीरियाज फर्स्ट, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी। सर नेट नहीं चल, नेट चल रहा है बेटा, बफरिंग नहीं हो रही यहां से, डोंट वरी, यहां से बफरिंग नहीं हो रही, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, यहां से मैं चेक कर रहा हूं, डोंट वरी, यहां सब कुछ ठीक है, आप एक बार रिफ्रेश कर लो, ठीक है। चलिए, हाँ कल का पीडीएफ नहीं दिया बेटा, हाँ कल का पीडीएफ डाल दूंगा, डोंट वरी, कल का पीडीएफ डाल दूंगा, चिंता मत करना, कल का पीडीएफ अभी डाल दूंगा। चलिए, तो हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड बैक्टीरिया फर्स्ट, किसने बैक्टीरिया की खोज की थी। बिल्कुल सिंपल आंसर है, आंसर क्या है इसका, आंसर है आपका लुवेन हैक, ठीक है ना। ऐसा कई बार ऐसा भी लिखा होता है हिंदी में, लुवेन हॉक ऐसा, ठीक है, लुवेन हॉक ऐसा लिखा होता है, और इंग्लिश में लिखा होता है LUWEN लुवेन HACK हॉक, ठीक है। इंग्लिश में सेम लिखा होगा, हिंदी में लिखने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, डन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन में, फटाक से आंसर दीजिए इसका। विच अमंग द फॉलोइंग इज द यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर का मतलब होता है सार्वभौमिक दाता, सभी को देने वाला, कौन है भाई जल्दी बताइए। पीडीएफ कहाँ मिलेगा, पीडीएफ टेलीग्राम में मिलेगा बेटा, पीडीएफ टेलीग्राम में मिलेगा, टेलीग्राम। एक काम करना, अभी जब वीडियो खत्म हो जाएगा, वीडियो खत्म होने के बाद में जो पहला कमेंट मैं कर दूंगा, जिसमें अपने नए चैनल के लिए यूट्यूब लिंक होगी, तो यूट्यूब भी सब्सक्राइब कर लेना, ध्यान से जाके भूलना मत। और दूसरा टेलीग्राम के लिंक भी डाल दूंगा, दोनों, टेलीग्राम फॉलो कर लेना और यूट्यूब के लिंक भी सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ठीक है।
चलिए इसका आंसर क्या है, यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है? देखो सिंपल सी कहानी इसकी याद करने की होती है, एक है अमिताभ बच्चन, एक है अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन जो है इस टाइम पे, अमिताभ बच्चन साहब का ये कहानी है कि अमिताभ बच्चन साहब कोई भी मूवी कर लेते हैं, हर चीज़ एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि भाई उनको पैसा कमाना है। आप देखते होंगे, आप कभी टॉकीज जाना, कोई भी ऐसा ऐड नहीं बचा जिसको अमिताभ बच्चन ना करते हों। बोरोप्लस पाउडर, मिर्ची, जस्ट डायल, तेल, और मुझे लगता है शायद कोई ऐसा ऐड बचा ही नहीं है जो अमिताभ बच्चन साहब ना करते हों। बस तो अमिताभ बच्चन क्या करते हैं, हर चीज़ एक्सेप्ट कर लेते हैं, हर सारे टीवी ऐड एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो जो ए बी होता है ना, ये एक्सेप्टर होता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। जो ए बी ब्लड ग्रुप वाले होता है ये यूनिवर्सल एक्सेप्ट कर लेता है, और अगर एक्सेप्ट वाला हमने कर लिया तो फिर डोनर कौन सा हो जाएगा, ओ। जो ओ होता है यूनिवर्सल डोनर होता है, क्लियर है? ओ जो होता है यूनिवर्सल डोनर होता है और ए बी एक्सेप्टर होता है। और याद करने का तरीका बताओ तो देखो, एक काम करो, अमिताभ बच्चन तो बता ही दिया, हर चीज़ एक्सेप्ट कर लेते हैं, सारी मूवी एक्सेप्ट कर लेते हैं, सारे ऐड एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो एक्सेप्ट से ए बी अमिताभ बच्चन। डोनर याद करने का तरीका ऐसा है कि डी ओ एन ओ आर, तो जो ओ है ना ओ, ये ओ हो जाएगा। डोनर का मतलब होता है दाता, और यहां बीच में ओ लिखा है, इसका ओ का मतलब क्या हो जाएगा, क्लियर है? ब्लड ग्रुप। आसान है डिंबल? चले ये लीजिए, ट्रैकोमा किसकी बीमारी है भाई साहब? ट्रैकोमा किसकी बीमारी है? सर मुझे भी पराठे खाने हैं। बिल्कुल, अभी पराठे डाला है, कल एक काम करूँ, कल मैं पोहा वाला वीडियो डाल दूंगा, एक पोहा वाला वीडियो भी मेरे पास में है, पोहा बनाया था मैंने, तो पोहा वाला वो चैनल सब्सक्राइब कर लेना वहाँ पे। क्योंकि देखो टेंशन बहुत है जिंदगी में, लोड बहुत है, मैं चाहता हूँ कि पढ़ाने के साथ साथ आपको थोड़ा खुश रख पाऊँ, ताकि आप ज़्यादा अच्छी पढ़ाई कर पाऊँ, ताकि पढ़ाने के साथ साथ मनोरंजन होता रहे, हंसी मजाक में पढ़ाई होती रहे। टेंशन बहुत है, लोड बहुत है, टेंशन है, पढ़ाई की टेंशन है, नौकरी की टेंशन है, टेंशन तो सबको है। अब उसमें मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ, पढ़ा तो रहा हूँ बिल्कुल सही, अब मेरे पास ऐसे कुछ हार्ट से हारमोनियम बजाता हूँ, शायरी कविता लिखता हूँ, मोटिवेशन वाला हो गया, या कि आपका मजाक वाले वीडियोज हो गए, या कि कुछ बनाने के डाल दिया, ताकि आपको खुशी मिले, और बस खुशी मिले और पढ़ाई कर लो, बात खत्म हो गई। ट्रैकोमा इज द डिसीज ऑफ, ट्रैकोमा किसकी बीमारी है, आंखों की। बात क्या बात, वो लड़का आंख मारे वो लड़का आंख मारे, मतलब यहां पर कभी ये कहने की कोशिश कर रहा है कि लड़के के पास में गोली बंदूक सब कुछ खत्म हो गया है, ना तो वो घूंसा मार रहा है, ही इज नॉट वायलेंट, है ना, तू साइलेंट हो जा वरना मैं वायलेंट हो जाऊंगा। तो लड़के के पास में सब कुछ खत्म हो चुका है, उसके पास एक ही हथियार है कि लड़का आंख मार रहा है, इससे वायलेंस भी नहीं होगा और मोहब्बत भी हो जाएगी, और इससे दुनिया में प्यार बढ़ता चला जाएगा। सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ये लीजिए, भारतीय चीनी अनुसंधान कहाँ पे है? बिल्कुल बिल्कुल, वीडियो लाइक करके शेयर करना भाई, बता रहा हूँ मैं, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, कोई रेलवे में, कोई एसएससी में, कहीं ना कहीं आया है। मैं फिर से बोलता हूँ, साइंस में ऑप्शन कम है उसके पास में, वो क्वेश्चन रिपीट करता है, बार बार रिपीट करता है, ध्यान रखना जल्दी। देखो मैं फिर से बोलता हूँ कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, सुनने वाला सात दिनों तक सिसक सिसक कर रोए, ये गलत हो गया। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहू शीतल होए, ये सही है। मतलब ऐसी वाणी बोलना चाहिए, ऐसा बोलो भाई कान में मिठास भर जाए, कानों में मिठास चली जाए तो बात बन जाएगी। इतना प्यारा मीठा मीठा बोलो, कान में चीनी जाना चाहिए, क्या जाना चाहिए, कान में चीनी जाना चाहिए। तो चीनी कहाँ पर भाई साहब, कानपुर में, क्लियर है? इतना मीठा बोलो, कान में चीनी जाना चाहिए, ठीक है, डन, क्लियर है, डन है। चलिए ये लीजिए, नेक्स्ट लीजिए, ये क्वेश्चन ये लीजिए साहब, हाइड्रोफोबिया की बीमारी होती है, हाइड्रोफोबिया, जल्दी, मेरे को दो बार कुत्ते ने काटा है, आपको पता नहीं कितने बार काटा है, तो मेरे को जिंदगी में दो बार कुत्ते ने काटा है, एक बार काटा था, बहुत बचपन की बात है, बहुत छोटा था मैं तब, एक, और दूसरी बार मुझे काटा था जब भोपाल में था, कभी नहीं भूल सकता, 10 सितंबर 2009 इस दिन काटा था, है ना, नैन्सी नाम था उस कुतिया का, नैन्सी, उसने काटा था, काफ़ी घाव कर दिया था उसने। चलिए, तो वो था जर्मन शेफर्ड बड़ा वाला, मतलब जिसको देख के पसीना छूट जाएगा, उसने मुझे काटा था। चलिए, तो हाइड्रोफोबिया कैसा है भाई साहब, हाइड्रोफोबिया कुत्ते के काटने से बहुत ही डेंजरस होता है, और फिर से बताऊंगा दो चीज़ों का ध्यान रखना, दो तीन बीमारी बड़ी खतरनाक होती हैं, आप मानो या ना मानो, मुझे नहीं मालूम कितनी बात मानते हो मेरी, कभी भी लोहा लग जाए ना, कभी भी लोहा लग जाए, प्लीज़ टिटनेस का इंजेक्शन लगा लिया करो, मालूम नहीं चलेगा, एकदम से ऐसा रिएक्शन होगा कि रातों रात इंसान एक्सपायर हो जाता है। प्लीज़ कभी भी लोहा लगे, ध्यान से टिटनेस का इंजेक्शन लगा लिया करो, लापरवाही मत किया करो, आपको मालूम नहीं चलेगा, दो साल, चार साल, छः साल बाद एकदम से टिटनेस होता है, रात को रिएक्शन मारेगा, और ऐसे रिएक्शन मारेगा पूरी बॉडी फोल्ड हो जाती है, इतना पेन होता है आप सोच नहीं सकते, बहुत केसेस में, बहुत कम ही केसेस में इंसान बच पाता है, क्योंकि रात को रिएक्शन मारता है वो, टिटनेस बहुत खतरनाक। दूसरा,
कुत्ता काटे तो रेबीज का इंजेक्शन। कभी लापरवाही मत करो, अरे कुत्ते ने काट लिया तो रेबीज, अरे नहीं, कभी लापरवाही मत करना, बहुत डेंजरस होता है, कभी भी मत करना, नहीं तो मारे जाइएगा। ठीक है, दोनों का इसमें, दोनों में कभी लापरवाही मत कर लीजिएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। द स्टडी ऑफ फ्रूट्स इज कॉल्ड, फ्रूट्स की स्टडी क्या कहलाती है? फटाक से जल्दी फटाफट आंसर देते चलो, जितनी जल्दी आंसर दीजिएगा उतनी जल्दी आंसर्स आइएगा, उतनी जल्दी चीजें कंट्रोल में आ जाएंगे। फटाफट आंसर दीजिए जल्दी से। बिल्कुल, स्टडी ऑफ फूल इज, जो फूलों की स्टडी होती है, अमन चौधरी, अमन चौधरी बता रहे हैं कि उनके पापा के कहीं पर काट दिया था बेचारे के, कहां काट दिया था बेटा अमन, अमन चौधरी बता रहे हैं, बहुत दर्द है उनके जिंदगी में, अमन चौधरी बता रहे हैं कि उनके पापा के कहीं पर काट दिया था, फिर दुख है मुझे आपके पापा के लिए, मैं सहानुभूति रखता हूं। चले, द स्टडी ऑफ फ्रूट्स इज कॉल्ड, फ्रूट्स की, फूलों की स्टडी क्या कहलाती है? पोमोलॉजी। क्या कहलाती है भाई साहब? पोमोलॉजी, पोमोलॉजी जो होती है स्टडी होती है। क्लियर है? पोमोलॉजी, पोमोलॉजी इज राइट आंसर, पोमोलॉजी इज राइट आंसर, सिंपल है, क्लियर है? फ्रूट्स की स्टडी क्या कहलाती है? पोमोलॉजी कहलाती है। तो जल्दी से ये बताओ कि फ्लावर्स की स्टडी क्या कहलाती है? फ्लावर्स, फ्लावर्स की बताइए जल्दी से, फूलों की बताइए, फल का तो बता दिया, फल का क्या हो गया? पोमोलॉजी। तो फ्लावर्स का बताइए, पुष्प का बताइए जल्दी से, पुष्प। बिल्कुल, एंथोलॉजी इज राइट आंसर फॉर दिस, एंथोलॉजी इज राइट आंसर फॉर दिस। याद रखना, जैसे पीसीकल्चर, पीसीकल्चर मछली का अध्ययन करना, उसके बाद में एपिकल्चर मधुमक्खियों का अध्ययन करना, स्टडी करना, स्टडी ऑफ बीज, है ना, वैसे फ्लावर्स का होता है एंथोलॉजी, और पोमोलॉजी किसका होता है? आपका फूलों का, है ना। एक होता है सोरोलॉजी, कौन सा लॉजी? सोरोलॉजी, बताइए जल्दी से किसका होता है? सोरोलॉजी बताइए जल्दी से किसका होता है? सोरोलॉजी बताइए जल्दी से किसका होता है? सोरोलॉजी, सोरोलॉजी फटाक से बताइए किसका होता है? सोरोलॉजी, बिल्कुल बहुत सुंदर। सोरोलॉजी क्या होता है? जब कभी आप साफ सफाई कर रहे होगे, दिवाली का टाइम है, तो कोई छिपकली एकदम से ऊपर घिस गया, ओह सॉरी होता ना, अरे सॉरी यार छिपकली गिरी मेरे ऊपर, बस। तो छिपकली जो होती है, छिपकली होती है, ये सोरोलॉजी कहलाती है। ठीक है, अगर मान लीजिए स्नेक का पूछे, स्नेक की स्टडी, सांप, सांपों की स्टडी, आई लव स्नेक, आई लिटरली लव स्नेक, मुझे बहुत पसंद है, आने वाले समय सांप पकड़ना सीखूंगा, मेरा सपना है। तो जो स्नेक होता है, स्नेक की स्टडी क्या कहलाती है? ओफियोलॉजी। उफ, सांप कैसे करता है एकदम से, देखो उफ भाई साहब खतरनाक हो, काटोगे? आओ काट लो, अब आ ही गए हो तो काट लो टाइप का होता है ओफियोलॉजी। उफ, सांप देख के उफ निकलता है ना, सांप भी तो करता करता है, बस ज्यादा लोड लेने का नहीं है जिंदगी में ना। ये लीजिए, द वेवलेंथ ऑफ विच कलर इज लेस, किस रंग की तरंग दैर्ध्य कम होती है? जल्दी जल्दी फटाफट आंसर दे, चलो यहां से क्वेश्चन लिख लो, किसी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे आएंगे। रविशंकर देखो कितना क्या लिखा है और लोगों क्या डाला है, मिस्टर रविशंकर थोड़ा तो सोच लो यार, थोड़ा तो सोच लो प्लीज, क्या लिखे हो आप और क्या लोगों भी हंसने का डाला है आपने, भगवान का नाम आपके नाम में है भाई साहब, और आप ऐसी चीज लिखे हो, सॉरी यार, हे ईश्वर माफ करना। बिल्कुल, नीला जो रेड ब्लू कलर होता है, ब्लू कलर होता है, ये जो ब्लू कलर होता है इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। ठीक है, सबसे कम होती है किसकी? ब्लू की, डन। और आपका सबसे ज्यादा किसकी होती है? लाल की, लाल की। ठीक है, सबसे ज्यादा लाल की होती है, जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होगी, जब जिसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, आप देखना, सॉरी वेवलेंथ, वेवलेंथ जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, देखना दूर से दिखाई देता है। इसी कारण से आप क्या देखोगे कि जो रेलवे ट्रेन में होते हैं, लाल बत्ती क्यों लगाई जाती है? क्योंकि लाल बत्ती का जो वेवलेंथ होता है वो सबसे ज्यादा होता है, लाल बत्ती का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, इस कारण से दूर से दिखाई दे देता है, इसी कारण से लाल बत्ती इस्तेमाल की जाती है, नहीं तो पीली भी कर सकते हो। रेड लाइट का फिर से बोलता हूँ, वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, इस कारण से उसको रेड लाइट के रूप में यूज किया जाता है, ताकि दूर से दिखाई दे दे। अगला सवाल आपके स्क्रीन में है, ये लीजिए क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चलिए बताइए, बच्चे ने क्या लिखा, रविशंकर ने क्या लिखा, बच्चे पूछ रहे हैं, उसने लिखा है कि सर मेरा एक फ्रेंड है, आपका क्लास देखता था, वो एक्सपायर हो गया है, नीचे हंसने का लोगो भेजा है, अब मैं क्या मानूं उसे, कि वो मजाक कर रहा है, कि वो
क्या बोलूं मैं उसको, है ना। चलिए, तो द डिसीज ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन ई, विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, फटाफट आंसर दीजिए। विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, विटामिन ई, जल्दी फटाक से। ऑप्शन ए अंधापन, ऑप्शन बी रिकेट्स, ऑप्शन सी बच्चे के प्रसव में समस्या, और ऑप्शन डी बेरी बेरी। आंसर बिल्कुल सिंपल, क्या है इसका आंसर, है बच्चे के प्रसव में समस्या, प्रॉब्लम इन डिलीवरी ऑफ चाइल्ड। यहां पर बहुत बच्चे होंगी, लड़कियां पढ़ाई कर रही होंगी, आप भी जो लड़के भी पढ़ाई कर रहे होंगे यहाँ पे लड़के, तो लाजमी इस बात है उनकी भी शादी किसी लड़की से होगी, उनकी भी बहन होगी, सारे होंगे। आजकल में लड़कियों में बहुत गंदा सा ट्रेंड चला है कम खाना खाने का। जब आप कम खाना खाते हैं तो आपकी बॉडी कमजोर होती है। ये जो लड़कियाँ आजकल कम खाना खाती हैं डाइटिंग पाइटिंग के चक्कर में, एक रोटी खा ली, दो रोटी खा ली, और बहुत होशियार बनती हैं, वाह भैया मैं कितनी दुबली हूँ, कितना कम खाना खाती हूँ, मेरी मम्मी मेरे को टोंकती है खाना खाने के लिए। डिलीवरी के टाइम पर बहुत दिक्कत जाती है, इस कारण से स्ट्रांग रहिए, बॉयज भी अच्छे से खाना खाइए, तरीके से खाना खाइए, लड़कियाँ भी खाइए। क्योंकि मैं ऐसा नहीं बोलता कि कोई लड़की, आपकी भी बहन होंगी, मेरी ही बहनें हैं, आपकी भी वाइफ किसी से शादी होगी, वो भी ऐसी कर रही होगी, तो प्लीज़ लड़कियों से रिक्वेस्ट है कि अच्छे से खाना खाए, तरीके से खाना खाओ, स्ट्रांग रहोगे बॉडी से, अच्छा होगा। नहीं तो डिलीवरी के टाइम पे बहुत दिक्कत जाती है, और आज की डेट में जो सबसे ज़्यादा ऑपरेशन सर्जिकल डिलीवरी होती है, जो सर्जरी के कारण जो डिलीवरी हो रही है, उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है, लड़कियों का कमजोर होना हेल्थ के कारण। इस कारण से खाना पीना अच्छे से खाइए, बाकी डाइटिंग पाइटिंग के चक्कर में गड़बड़ हो जाएगा सब कुछ। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है, क्वेश्चन पर आंसर दीजिए। सिगमंड फ्राइड इज आ, जो सिगमंड फ्राइड वो कौन थे, हाँ खाना खाना अच्छा खाना खाना चाहिए, खाने में कमी नहीं करना चाहिए, लापरवाही नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ऑप्शन आंसर दीजिए, है ना। चलिए सिगमंड फ्राइड, देखो मैंने पब्लिक, मेरा जब यूपीएससी पहली बार दे रहा था तो मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल था, मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल था, उसमें एक सिगमंड फ्राइड एक थिंकर्स थे, एक फिलोसोफर थे, उन्होंने बहुत ही शानदार बातें कही थी, याद रहेगा। सिगमंड फ्राइड एक मनोवैज्ञानिक है, साइकोलॉजिस्ट है। आप जब फिलोसॉफी ऑप्शनल पढ़ते होंगे तो वहां भी सिगमंड फ्राइड को पढ़ना पड़ता है, और जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल पढ़ते होंगे वहां भी, यूपीएससी वाले बच्चों को बोल रहा हूं। तो सिगमंड फ्राइड क्या है, मनोवैज्ञानिक। और याद करने का तरीका ऐसा है कि जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिस्ट या कि बहुत ज़्यादा विद्वान टाइप के होते हैं, वो दिमाग को फ्राई कर देते हैं, बात कर करके दिमाग पका देते हैं बस। तो जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं दिमाग को फ्राई कर देते हैं, तो साइकोलॉजिस्ट से हो गया साइकोलॉजिस्ट, और फ्राइड से हो गया फ्राइड, सिंपल है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए आंसर दीजिए, लीजिए ये देखिए क्वेश्चन आंसर दीजिए। एलिसा टेस्ट इज यूज फॉर, जो एलिसा टेस्ट होता है किसके लिए यूज होता है, फटाक से आंसर दिए। मैं फिर से बोलता हूँ, साइंस से भागो मत बाबू, साइंस से कितना भागोगे, एग्जाम में तो आएगी आएगी साइंस, कुछ भी कर लो, एनटीपीसी में साइंस आएगी, रेलवे में साइंस आएगी, ग्रुप डी में साइंस आएगी, एसएससी में साइंस आएगी, भाग सको तो भाग लो, साइंस नहीं पढ़ के जाओगे तो एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होगा, ध्यान रखना, क्योंकि साइंस अच्छी खासी आती है। इस कारण साइंस से भागो मत, सिंपल तरीके से पढ़ा रहा हूँ, इतने बेस्ट तरीके से पढ़ा रहा हूँ, साइंस चिंता मत करना, ठीक है। आंसर दीजिए, एलिसा जो टेस्ट है, मैं और जूम कर देता हूँ, ये लीजिए जो एलिसा टेस्ट है किसके लिए किया जाता है, सिंपल है, एड्स के लिए, जो एड्स बीमारी होती है उसके लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है, एलिसा टेस्ट किया जाता है एड्स के लिए, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है, ये लीजिए, ये लीजिए। इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड इन, जो इंसुलिन होता है वो कहां पर उत्पन्न होता है, ऑप्शन ए इंटेस्टाइन में, ऑप्शन बी पिट्यूटरी ग्लैंड में, ऑप्शन सी थायराइड ग्लैंड में, और ऑप्शन डी पैंक्रियाज में, ठीक है। और वो जो नया वाला चैनल बनाया है वो सिर्फ इस कारण से बनाया है ताकि आप लोग मस्ती कर सको वहां पर, है ना, और आपको मोटिवेट कर सकूं, मस्ती मजाक करते रहेंगे, थोड़ा खुशी रहेगी तो खुशी में पढ़ाई हो जाती है, ज्यादा लोड टेंशन पढ़ाई करो तो पढ़ाई होती नहीं है। ऑप्शन देखिए जल्दी से आंसर दीजिए, इंसुलिन, बिल्कुल सिंपल आंसर इसका, इंसुलिन का क्या हो जाएगा, अग्नाशय इज राइट आंसर, जो पैंक्रियाज होता है, इंसुलिन जो होती है पैंक्रियाज में होती है, क्लियर है, डन, बहुत सुंदर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है, क्वेश्चन एक मैसेज बार बार रिपीट मत करो बेटा, एक मैसेज बार बार रिपीट मत करो, चलिए। विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल रिसिपिएंट, अभी बताया था मैंने क्या बोला था, एक मैंने बोला था डोनर, ये देखो मैंने अभी से क्या बोला था, डी ओ एन ओ आर, डोनर मतलब देने वाला, यहां भी ओ, मतलब आंसर क्या हो जाएगा, ओ ओ ओ, जाने जाना ढूंढे तुझे जीवाना, शाम को 10 बजे आके मुझको साइंस है पढ़ाना, ओ ओ जाने जाना, बिल्कुल सही है ना। ये देखो डोनर मतलब ओ ओ, ओ जो होता है यूनिवर्सल डोनर होता है, अगर यूनिवर्सल डोनर आपको मालूम हो गया, ओ ए बी की बात बताई थी, अमिताभ बच्चन सब कुछ एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो एक्सेप्टर से क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल एक्सेप्टर हो जाएगा ए बी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर पूछा है इसने रिसिप्ट, मतलब एक्सेप्टर की बात कर रहा है, सिंपल आंसर हो जाएगा क्या आपका, ए बी इज राइट आंसर, डन। चलिए अगला क्वेश्चन देख के आंसर दीजिए, व्हाट इज द केमिकल फाउंड इन द सुगर केन,
गन्ने का जो है, गन्ने में पाए जाने वाला रसायन क्या कहलाता है भाई साहब? लैक्टोज, सुक्रोज, फ्रैक्टोज या ग्लूकोज? आंसर दीजिए फटाक से। बफरिंग नहीं हो रही बेटा, अफवाह मत उड़ाओ, अफवाह मत उड़ाओ, बफरिंग नहीं हो रही है, बफरिंग नहीं हो रही है। बिल्कुल, गन्ने में क्या पाया जाता है? बिल्कुल, गन्ने के रस से बनती है बियर। ओ माय डियर, हैप्पी न्यू ईयर। आंसर क्या जाएगा? सुक्रोज इज राइट आंसर, सुक्रोज है ना। गन्ने में पाया जाने वाला रसायन क्या होता है? सुक्रोज होता है, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है, क्वेश्चन पर आंसर दीजिए। ये लीजिए, ये लीजिए, ओह थोड़ा धीमा कर दो, थोड़ा छोटू कर दो इसको, ये लो आंसर पढ़ के दी जल्दी से, जल्दी। नेट ठीक तो चल रहा है, नेट कहे लापरवाही, कहे मजाक उड़ा रहे हो समाज का जी। नेट में कोई दिक्कत नहीं बाबू, मैं चेक कर रहा हूँ, डोंट वरी, नेट में लोड नहीं होगा, मैं हूँ तो। अफवाह मत उड़ाइए, जल्दी फटाफट आंसर दीजिए, जितनी जल्दी आंसर दोगे उतनी जल्दी क्वेश्चन होंगे। बिल्कुल, इसका आंसर क्या है? सेफ्टी ब्रेक का आविष्कार किसने किया जो लिफ्ट को कैश करने से रोकती है, है ना? वो इन्वेंटेड द सेफ्टी ब्रेक विच स्टॉप द एलिवेटर फ्रॉम कैशिंग। आंसर क्या है इसका? आंसर इज डी, एलिसा ओटिस इज राइट आंसर। क्लियर है? एलिसा ओटिस इज राइट आंसर फॉर दिस। क्लियर, चलिए अगला सवाल देखिए, आंसर दीजिए। ये लीजिए अगला सवाल, मैं फिर से बोलता हूँ, साइंस से जितना भागोगे ना बेटा उतना आज नहीं तो कल आपको साइंस के पीछे आना ही पड़ेगा। ईगल का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? साइंटिफिक नेम ऑफ ईगल इज, ईगल का साइंटिफिक नेम क्या होता है? साइंटिफिक नेम ऑफ ईगल इज व्हाट? ये क्वेश्चन क्या है? आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसको आपको होमवर्क में करना है। वीडियो खत्म होने के बाद में कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। और एक और चीज बता दूं, 90% केस में हमेशा देखा है मैंने, 90% बच्चे सही आंसर देते हैं। तो लोड मत लिया करो सर आपने आंसर नहीं बताया। अरे अगर 40 क्वेश्चन का आंसर बताया तो एक दो क्वेश्चन का आंसर तो निकल सकते ना बाबू, इतना तो एक्सपेक्ट करता हूं आपसे कि आप उसका आंसर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंसर दीजिए। ये लीजिए, ये देखिए, निम्नलिखित में से किस समूह के पोषक तत्वों की कमी से त्वचा प्रभावित होती है? त्वचा मतलब स्किन प्रभावित होती है, बताइए स्किन किससे प्रभावित होती है? लोहा, आयोडीन, जस्ता, पोटेशियम, अगर ये ना हो शरीर में तो स्किन खराब होती है क्या? हाँ या ना बोलो, नहीं तो फिर राइबोफ्लेसिन, नियासिन, पाइरीडॉक्सिन और पेंटोथेनिक एसिड इसके कारण से, या कि फिर विटामिन के, कैल्शियम, फ्लोरीन और कॉपर। अभी ये बताओ किसके कारण से स्किन ज्यादा प्रभावित होती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, बी जो स्किन होती है ये राइबोफ्लेक्सिन, नियासिन, पाइरीडॉक्सिन और पेंटोथेनिक एसिड की कमी से स्किन अफेक्टेड होती है। क्लियर है? ध्यान रखना, फिर से बोलता हूँ, साइंस से मत भागो, साइंस से मत भागो, बिना साइंस के रेलवे नहीं निकलेगा, बिना साइंस के एसएससी नहीं निकलेगा, आज नहीं तो कल आपको साइंस पढ़ना ही पड़ेगा, साइंस से मत भागो। मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से साइंस पढ़ा रहा हूँ, चिंता मत करो, डोंट वरी ना। फटाक से आंसर दीजिए, ईगल क्या होता है? ईगल उल्लू, उल्लू नहीं जानते हो? इमली का बूटा, बेरी का पेड़ है, चल घर जल्दी हो गई देर, है ना उल्लू। चलिए एक नियमित आधार पर, यह क्या लिखा भाई, क्या पढ़ूं इसको मैं, यूजिंग, अब इसकी इंग्लिश में क्या प्रोनाउंसिएट कर दूं भाई, बताओ भाई जल्दी से, पी यू आर जी ए टी आई वी ई एस, पी यू आर जी ए टी आई वी ई एस, अब इसको क्या पढ़ोगे बताओ भाई? मैं पढ़ के नहीं आ रहा क्योंकि गलत प्रोनाउंसिएट कर दूंगा, फिर आप लोग बोलोगे हंस हो गए, गरीब आदमी के ऊपर हंसने लगते हो। चलिए, हाँ ईगल का मतलब चील होता है, वेरी गुड, सब होता, कुछ होता होगा, डोंट वरी, इतना लोड मत लो। चलो पोटेशियम इज राइट आंसर, पोटेशियम सही आंसर है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ये लीजिए, कैंसर एक जानलेवा बीमारी है क्योंकि, ऑप्शन ए, इससे ट्यूमर में तेजी से वृद्धि होती है, दिस कॉजेस द ट्यूमर टू ग्रो रैपिडली, दूसरा जैविक अंग नष्ट होते हैं जो ऑर्गेनिक ऑर्गन्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, तीसरा इसके होने से कोशिका, ऊतक और अंगों में असमानता आ जाती है, इट कॉजेस अबनॉर्मलिटीज इन सेल, टिश्यूज और ऑर्गन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल, दूसरा वाला चैनल ध्यान से लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, दूसरे वाले चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर देना, डन। चलिए तो ये बताओ जो कैंसर होता है इसके बारे में क्या बात सही है भाई? तीन ऑप्शंस आपके सामने हैं, अब ये बताओ इनमें कौन सा पॉइंट सही है? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें जो जैविक ऑर्गन्स हैं, हाँ
ये नष्ट हो जाते हैं। सबसे बड़े रीजन होते हैं जो ऑर्गेनिक ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गेनिक ऑर्गन्स आर डिस्ट्रॉयड, क्लियर है, जो ऑर्गेनिक ऑर्गन्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, सबसे खतरनाक चीज होती है कैंसर के बारे में ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख के आंसर दीजिए, ये लीजिए, ये देखिए, जो रोग ग्रह मक्खी द्वारा नहीं फैलता वह क्या होता है? द डिसीज विच इज नॉट स्प्रेड बाय द होम, जो घर की मक्खियां होती ना उसके द्वारा कौन सा नहीं फैलता है? हैजा, पेचिस, डेंगू और आंत बुखार, ये बताओ इनमें से कौन सा रोग होता है जो घरों मक्खी होती है उससे नहीं फैलता है? मक्खियों में आपका मच्छर भी आएंगे ना, मक्खियों में मच्छर भी आएंगे, ध्यान रखना, ठीक है, मक्खियों में मच्छर भी आएंगे, क्लियर है। चलिए तो ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है, तो दो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दे दिया, ठीक है। चलिए मैं फिर से बोलूंगा, साइंस से जितना भागोगे गड़बड़ हो जाएगा, रेलवे साइंस ही निकलवाएगा, क्योंकि साइंस से बहुत क्वेश्चन आते हैं रेलवे में, रेलवे साइंस ग्रुप डी निकलवाएगा, तो साइंस एसएससी में इंपॉर्टेंट, रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी। मैं बिल्कुल फिर से बोल रहा हूँ, जिसको साइंस का ए बी सी डी भी नहीं आता ना, मैं दावा करता हूँ, मैं भाई बिल्कुल गारंटी से बोलता हूँ, जिसको साइंस का ए बी सी डी भी नहीं आता ना, मैं दावे से बोल रहा हूँ, कुछ मत करो, कोई दिक्कत नहीं, मैं करा रहा हूँ ना क्लास, बिल्कुल बेसिक करा रहा हूँ पहले, जहाँ पर सिर्फ रटने का खेल है, कोई दिक्कत नहीं, मैं कॉन्सेप्ट वाली बता ही नहीं रहा हूँ, जहाँ पर कोई बी ए बी एस सी वाला बच्चा हो ना, जो बी ए बी कॉम किया है, जो दसवीं पास फेल है, उसको भी साइंस आ जाएगी, पहले हम बेसिक करेंगे, अगर हम बेसिक करेंगे तो हमारा 70% साइंस के क्वेश्चन का जुगाड़ हो जाएगा, फिर जो बच्चे के 30% क्वेश्चन होंगे हमारे साइंस के, उसके लिए हम कॉन्सेप्ट वाली क्लास कर लेंगे, चिंता मत करना। 70% क्वेश्चन कैसे आते हैं? बेसिक क्वेश्चन आते हैं और फैक्ट्स आता है, सीधे सीधे फैक्ट्स आता है, तो हम वो कर लेंगे, जब ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम कहाँ पर कूद जाएंगे, कॉन्सेप्ट वाली क्लासेस में, और कॉन्सेप्ट वाली क्लासेस लेकर जाएंगे, चिंता मत करना। और ये क्लास कब तक चलेगी? एनटीपीसी ग्रुप डी के एग्जाम तक चलती रहेगी, 5-6 महीने में इतने सारे क्वेश्चन कर डालेंगे कि कम से कम 10,000 क्वेश्चन, डोंट वरी, कम से कम 10,000 क्वेश्चन कर डालेंगे साइंस के, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए, ये वादा है। पूरे रेलवे का प्रीवियसर खत्म कर देंगे, एसएससी का पूरा प्रीवियसर खत्म कर देंगे, बस आपको अच्छे से पढ़ाई करना है, खुश रह के पढ़ाई करना है, खुश रहने के लिए खुश रहिए, और दूसरे वाले चैनल को मस्ती की पाठशाला को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वहां पर मस्ती चलेगी तगड़ी वाली, ढेर सारी ढेर कविताएं, कुछ ना कुछ आता रहेगा मस्ती मजाक का, इतना पता कि वीडियो देखने के बाद हंस दोगे, बस यही चाहिए मुझे, आपके चेहरे पर मुस्कान चाहिए, और अगर आपके चेहरे पर मुस्कान आ गई तो पढ़ाई तो हो ही जाएगी, चिंता मत करो, क्योंकि पढ़ाने की जिम्मेवारी मेरी है। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, मिलेंगे शाम को, रात को 10-12 बजे वाली क्लास में।